जी दोस्तों, मैं ना बालों की वजह से बहुत परेशान था और बहुत मैंने ना इसके आगे सर्च भी की। उनकी भाई की मैं बहुत ज़्यादा वीडियो देखता था, बहुत इनको लाइक करता था, उनका काम मुझे बहुत पसंद आया और मैंने सर्जरी भी करवाई बालों की, पर मुझे वो रिजल्ट नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। अब मैं इनके पास आया हूँ और आगे देखते हैं ये कौन सा रिजल्ट हमारा बनाते हैं। आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारे पास कोई पाकिस्तान से बाहर से भी लोग मेरे पास आते हैं, तो आप काफी देर से मेरी वीडियो वगैरह देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वीडियो को ज्यादा जैसे कि मैं बताता हूँ कि हर वीडियो में मैसेज होना चाहिए, तो डिफरेंट थोड़ी सी वीडियो बनाई है आपके लिए। अभी इनको बाल लगाते हैं और रिजल्ट आपको दिखाते हैं और इनका ट्रांसप्लांट का भी जो भी ऑपरेशन का रिजल्ट मिला वो भी आपको दिखाते हैं। इनके कैबिन कैबिन में चलते हैं, काम शाम हो रहा है इंशाल्लाह, साथ साथ आपको दिखाते हैं जी। इनको हेयर पैच जो हम लगाने लगे हैं वो Q6 है, Q6 हेयर पैच, बिल्कुल लाइट वेट हेयर पैच, वेंटिलेशन ज्यादा है। और इन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया था ऐसे भाई जान जी, कितनी देर पहले आपने करवाया? तकरीबन डेढ़ साल पहले। डेढ़ साल पहले, काफी पैसे खर्चे, काफी आपने पेन भी, बहुत पेन प्रोसीजर है वो, उसमें इंजेक्शन लगवाए और 5-6 घंटे आपको ऑपरेट भी है जी, तो उसमें आपको इतना रिजल्ट नहीं मिला काफी पैसे लगा के भी, तो ये कम पैसों में आपको इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई ऑपरेट नहीं करना पड़ता, कोई मेडिसिन नहीं खानी पड़ती, तो अभी लगाते हैं, तो लगा के फिर आपको दिखाते हैं। जी भाई ये दिखाइएगा, आप इसको वॉश कर रहे हैं, काफी लोग कहते हैं कि ये वॉश लेबल नहीं है, ठीक है ये वॉश लेबल है, इसमें पानी फेंक के दिखाएं और पानी दिखाएं कैसे जा रहा है नीचे। लगाने का जो प्रोसीजर है वो भी आपको साथ साथ दिखाने लगे, और जी बिल्कुल फ्रंट हेयर लाइन की ना हमने नेचुरल भी छोड़ी है, अगर ना भी हो ना फ्रंट हेयर लाइन की अपनी, तो आपको पता भी है Q6 जो है ना वो बैक कॉम्बिंग हेयर पैच है, लेकिन हमने इसका फायदा उठाया है और भाई को मशवरा भी दिया, आइडिया भी दिया कि आप इसको फ्रंट हेयर लाइन को अपनी भी रखें और मजीद ज्यादा नेचुरल है, और ये सॉफ्ट है, जाली इसकी बहुत ही सॉफ्ट है, अंदर जो इसके अंदर आप देख रहे हैं जिस कपड़े के अंदर वेंटिलेशन है वो कपड़ा बहुत ही जबरदस्त जाली नुमा कपड़ा है, फ्रंट हेयर लाइन का बड़ा ना फायदा हो गया, बहुत जबरदस्त स्किन इनकी नेचुरल नजर आ रही है, बहुत बहुत प्यारे लग गए ये बाल। अच्छा जो आप डेंसिटी चाह रहे थे वैसा ही है? वैसा ही है जी, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है। और बाल जो लेंथ लिए चाह रहे थे, काफी वीडियो में आपको हर तरह के लुक दिखाते हैं, ठीक है। और ये देखिए आपको ब्रश ये देखिए, इसमें आप इसको दरमियान से भी निकाल सकते हैं, इसमें फायदा ये कि इनकी फ्रंट हेयर लाइन हमने जो है ना अपनी यूज की है, ये देखिए आप, ये दरमियान से भी है, ठीक है, ये दरमियान से भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल वन मांग भी इनको ये कर सकते हैं, ये देखें आप, ये देखें ये वन मांग में, मसला इनको जो आ रहा था वो पफ चाह रहे थे, बॉन्स चाह रहे थे बालों के अंदर, ये देख इसमें कोई सा भी आप स्टाइल कर सकते हैं, बैक कॉम्बिंग कर सकते हैं, लुक आपके सामने ही देख, बहुत पसंद आया जी, बहुत प्यारा है, जो आप डेंसिटी चाह रहे थे बालों की वही बना अभी से इस टाइम, और आपको थोड़ी देर पहले हमने इसकी पकड़ भी दिखाई है, उतार के दिखाया भी आपको जी। आपके कुछ सवाल जो आप थे कि यार बाइक मैं चलाता हूँ आम रूटीन में, बाइक पे अक्सर औकात आंधी वगैरह भी आ जाती है, हमारी तेज भी चलती है, तो अब आपका जो थोड़ा सा हमने एक्सपीरियंस लिया है, थोड़ा सा टाइम लिया हमने उतार के दिखाया है, कितनी मुश्किल से उतारा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही पता चल गया कि यार इसकी बहुत पकड़ है,
बहुत अच्छी पकड़, बहुत अच्छी पकड़ है। इसको पांच लोग भी खींच के उतार नहीं सकते, नहीं उतार सकते ऐसे ही। तो इसमें आप बैट बॉल खेलें, स्विमिंग करें, शावर, हर चीज इसमें, आप ब्लो ड्राई वगैरह। अब आप कह रहे थे कि यार मैं थोड़ा सा स्टिकिंग वगैरह करवाना चाह रहा हूँ, तो भी आप इसमें आप करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, आपको थोड़ी सी साइड से भी हम दिखा रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये भी साइड आप देखें, बिल्कुल नेचुरल है। कोई इतना अच्छा हेयर पैच है कि इसको लाइट करने की, इसको थिन करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही जी। और जो इनका बालों का देखें आप, इसको आप वन साइड से भी निकाल सकते हैं।